61 का ये लेक्चर फोर्थ है स्टूडेंट। हम लोग टॉपिक देख रहे हैं सब्जेक्टिव का नहीं, 61 का बी करेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक स्कीम एंड राइज ईयर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लेवल फॉर्मल डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन कंपाउंड जेड इज ट्रीटेड विथ HBr एंड सब्सिक्वेंट ओजोनोलिसिस। Mark the star carbon in the entire scheme। और यहाँ पे दिया हुआ है बेरियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, यह स्टार वाला कार्बन है। तो रूल है कि कोई भी कार्बोनेट को अगर हम लोग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो H2CO3 बनता है जो कि डिकम्पोजर के CO2 गैस देता है। ऑल कार्बोनेट मतलब मोटा मोटी अल्कली और अल्कलाइन अर्थमेटल तो डैम श्योर, ठीक है। क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट प्लस H2O, यहाँ पर स्टार वाला CO2 करेक्ट, H2 डबल बॉन्ड CHBr, मैग्नेशियम ईथर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए बोला जा रहा है, हाँ या ना? यहाँ तक बातें समझ में आ गया? उसके बाद क्या ट्रीट किया गया है? CO2 स्टार वाला CO2 एक्स ना। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ CO2 तो हम लोग देख चुके हैं, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन में देख चुके हैं राइट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH OMgBr और फिर H3O+ मतलब यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गया तो आगे बढ़ूँगा। हो गया? ये आपको क्या मिल गया है भाई? इसको किसके साथ ट्रीट किए हैं? ला किसको रिड्यूस करेगा? इसे रिड्यूस कर देगा। और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये हो गया जेड। उसके बाद जेड इज ट्रीटेड विथ HBr
एंड सब्सिक्वेंटली ओजोनाइज्ड. HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? ब्रोमिनेशन. मेरा तक यहाँ पे Br आ जाना चाहिए. यहाँ नहीं, यहाँ पे Br आना चाहिए. उसके पीछे का वजह है कि लुक्स लाइक ए 1 डिग्री, बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन के वाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जस्ट लाइक 2 डिग्री 3 डिग्री के बराबर, राइट. अब फिर वो जो एनालिसिस करेंगे ये होना चाहिए. स्टार वाला कार्बन यह है, बट यहां तक, यहां पे तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड तो आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुका है. दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई एंड दिस योर जेड. एक्स वाई जेड ही चाहिए था. लेबल्ड फॉर्मल डिहाइड. तो यहाँ पे फॉर्मल डिहाइड कैसे बनेगा, ये वाला कार्बन फॉर्मल डिहाइड कैसे बनेगा? हाँ, ठीक है. ये तो एक उपाय है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा ना, और दोनों इक्विवेलेंट है स्टेबिलिटी वाइज. अब अगर इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, हालांकि यहाँ भी Br रहेगा, यहाँ भी Br रहेगा, बट अगर बोला गया कि यहाँ पे अगर बनेगा तो CH2CHO ये हो सकता है. लिख लीजिए, बट ये भी एक इन्फॉर्मेशन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहाँ के बाद ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा, है ना. बट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन था वो बहुत, कह सकते हैं, छोटा इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हो गया. और यहाँ पे ये भी रिविजन हो गया कि CO2 का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, राइट. यहाँ तक क्लियर है ना एवरीवन? इसको हटाया जाए.
इस टेस्ट में सिर्फ आपका फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या रिवीजन कर रहे हैं, केटीजी भी रिवीजन कर रहे होंगे, थर्मोडाइनमिक्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, इसमें सिर्फ यही रखूँगा। और नेक्स्ट एक और टेस्ट रखूँगा हीट का, जिसमें रखूँगा कैलोरीमेट्री हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफ़र क्वेश्चन देने से बचूँगा, ठीक है, होगा ना? हाँ संडे को टेस्ट होगा मॉर्निंग में, और टेस्ट में हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री नेक्स्ट टेस्ट में दूंगा, इसमें सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स केटीजी रहेगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 62, एक कोई कंपाउंड है, देखिए C16H16, इसका नाम ए है। पहले एक रोड मैप बना लेते हैं क्या क्या बोला गया है, इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, तो ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड दे रहा है, मतलब इसका दो मॉलिक्यूल मिल रहा होगा, एग्री? इसका नाम बी दिया गया है, और बी के बारे में बोला गया है कि जब इसको ट्रीट करेंगे I2NOH, देखिए जैसे ही I2NOH नाम देख रहे हैं, देख इनडायरेक्टली इंट्यूशन आ रहा है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन है ना, रिजेंट से भी तो थोड़ा सा इंट्यूशन आना पड़ेगा। तब क्या बोला गया है, इल्ड सोडियम बेंजोएट वन ऑफ द प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजोइक एसिड से, सोडियम बेंजोएट, एंड कंपाउंड बी रिएक्ट विथ N2H4, NH2NH2 एंड KOH। यहां देखिए कौन सा रिडक्शन, यस वेरी गुड, गिव्स ए हाइड्रोकार्बन C8H10, इसका नाम क्या है, उल्फ किस्नर, सब आ जाएगा भाई जितना पढ़े है ना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी एंड सी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर कैन बी प्रपोज फॉर अल्किन ए, राइट द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द आइसोमर विच ऑन कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन गिव्स ए रेसमिक मिक्सचर। देखिए स्टूडेंट इसका ईएफ कितना जा बताइए, तो नाइन ईएफ है, इसका ईएफ कितना है, इसका ईएफ है 5, करेक्ट, इसका ईएफ कितना है, ईएफ है 4।
का मतलब बी रहना चाहिए। दिस वन तभी ये पॉसिबल है। अगर बी को हम लोग ए मान लेते हैं, करेक्ट है ना, तो 8 कार्बन हो गया, ये 5 हो गया। और अगर इसमें हम लोग आइडो फॉर्म करते हैं ए आई टू, यहाँ से इसका हिंट मिलेगा, तो सी एच आई थ्री प्लस ओ माइनस एन ए प्लस, करेक्ट। एलो प्रेसिपिटेट अगर बोल दिया तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता, एलो प्रेसिपिटेट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कंपाउंड रहना चाहिए, हाँ या ना। इसका जब ओजोनलिसिस करेंगे, मतलब ए रहेगा ए, और ओजोनलिसिस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए बन जाएगा। करेक्ट, यहाँ से तो सब कुछ क्लियर हो गया। और इसका अगर हम लोग लिनार कैटलिस्ट आई एस टू करते हैं, अच्छा रेसमिक मिक्सचर, तो इसका रेसमिक मिक्सचर तब बनेगा जब ये ट्रांसफॉर्म में रहेगा, सीस सीन सिमिलर, तब तो मेजो हो जाएगा। इसका मतलब है कि कौन सा फॉर्म में रहेगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ट्रांसफॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्म। यहाँ से इसका ज्योमेट्री भी पूछा गया है, ठीक है, आया ना। पी एच सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री पी एच, तभी यह डी एल पेयर हो गया, अदरवाइज डी एल पेयर नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये कौन सा कंपाउंड रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग जान गए, वुल्फ क्विस्नर रिडक्शन। एक कंपाउंड रहेगा जब हम लोग लेंगे N2H4KOH CH2CH3। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स तो पक्का रहा होगा, 4 या 5 मार्क्स, इसे सब कुछ आ गया, थोड़ा थोड़ा ही आया बट सब कुछ आ गया है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, सिर्फ पढ़ते रहना है या पहले रोडमैप तैयार करना है, ये हो जाएगा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें सोल्यूशन में दिया हुआ है कि सीस और ट्रांस दोनों फॉर्म अगर सोचते हैं तो सीस से मेजो मिलेगा और ट्रांस से क्या मिलेगा, डी एल पे, तो कौन सा फॉर्म लेके चलेंगे, ट्रांस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया ना। इस क्वेश्चन में क्या नहीं था, रिएक्शन भी था, आइसोमेरिज्म भी था, स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन के साथ भी था, और हैलो फॉर्म रिएक्शन भी था। स्टार्ट किया था एल्कीन से, हैलोजन डेरिवेटिव भी आ गया, सब कुछ इसमें आ गया है। मतलब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान लगा हम लोग को, बट इसके लिए कंप्लीट इन्फो चाहिए आपको। हो इसको हटाया जाए, एवरीवन
चलिए 63 नंबर, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। लिडनार कैटलिस एंड एस टू, ये सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, इसे मेजर प्रोडक्ट तो ही रहना चाहिए। ट्रांस या सिस फॉर्म सीनेडेशन होगा ना, कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म, लिख लीजिए। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स है। चलिए भाई, तो कन्वर्सन हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आना है, 3 स्टेप में आना है नहीं? क्या बोले, CH2 रहेगा? एक कार्बन कम है, मतलब एक, यहाँ देखिएगा, एक कार्बन कम है, इसका मतलब क्या हो गया होगा? यस, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो एसिड इसको बना देंगे ना, एसिड बनाएंगे इसे, तो यहाँ पे OH रखेंगे, OH लाना है, कैसे लाएंगे? यहाँ देखिए, एंटी मार्कोवनिकोव BS3, यहाँ पे रोड भी हम ही लोग को बनाना है, प्रोडक्ट भी हम ही लोग को पहुँचना है, राइट? H2O2 OH-, तो यहाँ क्या पहुँच, कहाँ तक पहुँच गए? CH2OH। इसका 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वेरी फास्ट होता है, लेकिन फिर भी आप यूज कर लीजिए KMnO4 H+, उसके बाद एक मिनट, यहाँ तो ये रखना है भाई, ये तो मैं भूल ही गया था, एक मिनट, ये एरो से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि 3 ही स्टेप लगे, अदरवाइज सो ए लेकर अगर हीट करेंगे यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है ना? अल्कोहलिक वेच एंड हीट, नहीं वहाँ पे तो स्टेप मेंशन नहीं था, सिर्फ एरो दे दिया गया 3 स्टेप में, तब सोचिए 3 स्टेप क्या करने से हो जाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन था जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन और हैलोजिनेशन साथ साथ हुआ था, यस हुंसडेकर रिएक्शन, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन एंड हैलोजिनेशन, यहाँ पे हैलोजन आ जाता था उस स्टेप में, उसमें एक स्टेप आप कम कर सकते हैं और फिर अल्कोहलिक वेच लेकर हीट कर दीजिएगा, नहीं समझे? हुंसडेकर रिएक्शन, उसमें था डी कार्बोक्सिलेशन एंड हैलोजिनेशन एक साथ होता था, कंपोजिशन क्या था?
लास्ट वाला पहले था अमोनिया, फिर सिल्वर नाइट्रेट, फिर बी आर टू सी सी एल फोर एंड हीट। नहीं, एक सोल्यूशन तो यहाँ पे आपके सामने ही है। चलिए एक मिनट रुकिए, इसको भगाना भी है इस कार्बन को, एसिड बनाना ही पड़ेगा, राइट? ऐसा अदरवाइज कार्बन लिविंग ग्रुप नहीं होगा। इसमें जो सोल्यूशन दिया गया है, ओजोनोलिसिस, हालांकि इसमें एक प्रोडक्ट तो मिसिंग हो जाएगा ना। ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्टेप कॉन्सेंट्रेटेड स्टेसोफोर, कोई बात नहीं, यहाँ से यही तो सीख रहे हैं। इसमें डिसअपॉइंटेड होने की बात नहीं है, हम लोग भी काम किए, हम लोग का दो स्टेप लग गया। अरे इसमें एक कंडीशन यहाँ पे नहीं था कि इसका क्या होगा, एक किस फॉर्म में जाएगा, ये तो बोला नहीं गया था कि CO2 ही बना देना है। क्वेश्चन में फ्लेक्सिबिलिटी था ना, कि इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, इसको हटा देना था। तो चल ठीक है, फॉर्मेलिटी भी रहेगा साथ में, तीन स्टेप अगर करेंगे तो, अदरवाइज उपाय नहीं था, और कोई उपाय था? तो यहाँ से ये भी सीख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अगर बनाते हैं और आपका स्टेप ज़्यादा लग रहा है या थोड़ा रॉन्ग वे हुआ, तो वहाँ से कुछ सीखे ना। मान लेते हैं कि अगर स्टेप मेंशन नहीं रहता तब तो आप करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। लिख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मजाक नहीं है, ठीक है ना? इसी को तो बोलते हैं रोड मैप। इतना तो टफ आएगा बोर्ड में, आपके बोर्ड में आएगा नहीं, पूरा क्वेश्चन में लगा लीजिए तो बोर्ड के लिए तो एकदम निश्चिंत होगा। रोड मैप चाहे सब्जेक्टिव जो रोड लैंग्वेज प्रॉब्लम या रोड मैप या कन्वर्सन तो मैं ऐसे भी करवाऊंगा, बट इस बार मैं पहले IIT क्वेश्चन, देखिए मेरा डिसिप्लिन रूटीन रहेगा, IIT क्वेश्चन मैं पूरा ऑर्गेनिक उठाया तो खत्म करके छोड़ूंगा, ठीक है? आप लोग भी चाह रहे हैं ना कवर हो जाए। चलिए बी के लिए सोचिए, डी CH3 यहां भी तीन स्टेप,
OH और D, इसका मतलब दोनों D को NT करना है, CH3 CH3 CH3। एक मिनट, OH सेकेंड कार्बन पे HBr H2O2। तो H यहां जाएगा, अब Br NT Markovnikov अगर करेंगे, अच्छा HBr ही अगर करते हैं तो H कहां पे, H यहां और Br यहां, करेक्ट। और ए करेंगे तो बी आर लेफ्ट साइड में और ए यहाँ, तो एक स्टेप हो जाएगा। अब बी आर में अगर क्यूएच डाल देंगे तो दो स्टेप में ही हो जाएगा ना, तो साथ में ही लेते हैं। स्टेप ही बढ़ाना है, हाइड्रोपोरेशन फिर करेंगे, हाँ या ना, एक स्टेप में कहाँ आ जाएंगे, CH3D H BH2 और टर्शरी ब्यूटाइल। यस, इसमें तो मार्कोवनिकोव ही मिलता है ना, BH3 अगर लिया जाए क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे अगर यहाँ पे, कार्बोकैटायन अगर फॉर्म भी करते हैं तो फिर ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे Br को लाना है विदाउट, कोई भी लाना है जिसके बदले OH लाएंगे, मतलब तो क्रॉस इफेक्ट ही होना चाहिए, HBr H2O2 और उसको एक्वस KOH SN2 SN2 में करेंगे तो NT होगा तो D और D उल्टा भी हो जाएगा। नहीं देखिए, यहाँ पे जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा HBr H2O2 में और दो यहाँ पे दो बल्की ग्रुप है तो रोटेशन भी हो जाएगा, फ्री रेडिकल बनते ही तो एक दूसरे को उल्टा हो जा सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि खरास इफेक्ट में फ्री रेडिकल बनता है, राइट। तो अपना स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए और रोटेट कर सकता है इस बॉन्ड के अबाउट।
तो यहाँ पे एक में एच बी आर, दो ही स्टेप में तो हो जा रहा है। एच बी आर लेते हैं, एस टू ओ टू, और सेकेंड में एक्वस क्यू एच। ये एरो बेकार में दिया हुआ था, ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे। एच बी आर एस टू ओ टू। अच्छा, दो मेथड इसका हो सकता है। हाइड्रोब्रेशन करेंगे तो कहाँ पे बी एस टू, कहाँ पे एच? राइट साइड में। बी एस टू लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ना। कार्बोकैटायन कहाँ, कार्बोकैटायन कहाँ बनना चाहिए? यहाँ तो यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे बी एस टू रहेगा। नहीं, ये भी तो सही था। अब बी एस टू यहाँ पर रहेगा, वहाँ पे वो एच माइनस जाएगा, राइट? करेक्ट है ना, क्योंकि कार्बोकैटायन, यहाँ का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, थ्री हाइपर कंजुगेबल। और खरास इफेक्ट करेंगे तो बी आर यहाँ, बी आर यहाँ, बी आर का अटैक होगा। अब रेडिकल कहाँ बनेगा? यहाँ रेडिकल अगर यहाँ बनेगा तो ये यहाँ आएगा, बी आर यहाँ आएगा। दोनों केस में तो सही है, दोनों केस में सही था। तब एक मेथड ये भी कर सकते हैं, बी एस थ्री और सेकेंड में क्या, एस टू ओ टू ओ एच माइनस, या एच बी आर एस टू ओ टू, और जो भी बनेगा उसमें एक्वस क्यूएच ले लीजिए। और यहाँ पे कितना प्रोडक्ट रहेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू चार, दो कार्य सेंटर है ना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सारा ऑप्शन रहेगा इसमें। चलिए, उससे बढ़िया क्वेश्चन 65 है। यहाँ देखिएगा 65 में क्या बोला गया है, बी आर टू। देख, जनरली सी सी एल फोर नहीं, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, मतलब सी सी एल फोर लेंगे। और कितना इक्विवेलेंट बोला गया है? सोडामाइड। दो इक्विवेलेंट इसलिए खर्च हो जाएगा, एच बी आर और एच बी आर, दो बार एलिमिनेशन के लिए। तो यहाँ से कहाँ, यहाँ पे कितना खर्च हो जाएगा? टू इक्विवेलेंट। अब बन क्या जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर से एक बोला गया है, एक और इक्विवेलेंट लिया गया है सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए, राइट? सी माइनस एन ए प्लस, और उसके बाद सी एस थ्री आई, सी एस थ्री आई। तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाँ या ना? दिस इज द फाइनल आंसर।
तो यहाँ पे थ्री कोवेलेंट मीनिंगलेस वास सेंस था या मीनिंगफुल था? मीनिंगफुल था, करेक्ट है ना। अब जनरली हीटिंग कंडीशन देना चाहिए भाई, नहीं देते हैं तो आप मान के चलिएगा कि हीटिंग कंडीशन है एलिमिनेशन के लिए, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, इसको हटाएं। आप लोगों को क्वेश्चन में एक और लगाना पड़ेगा खुद से मेरे बनाने के बाद, बढ़िया से, ठीक है, तब जाकर ग्रिप आएगा। H3O प्लस कैसे होगा? उपाय भी तो नहीं है, जो प्रोडक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग तो सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट पहले बना के दे दिया गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते हैं। H प्लस अब जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही तो मुझे भी सोचना पड़ेगा भाई, हाँ या ना? ठीक है, ओवरऑल वाटर नहीं आउट होगा, सराउंडिंग वाटर है तो वाटर लिए तो वाटर दे देंगे, फिर वाटर आउट किए हैं H2O सही है, हाँ या ना? टोटोमराइज कर देंगे, टोटोमराइजेशन, क्या प्रोडक्ट तक आ गए? ये तो होगा, करेक्ट है। प्रोडक्ट पहले ही बना दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग में प्रोसीड किया, कौन सा क्वेश्चन 66 ना का फर्स्ट। एग्जैक्टली यही हुआ भी है जो हम लोग सोल्यूशन किए हैं, ठीक है। चलिए तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट पहले ही बना दिया गया, तो जो प्रोडक्ट रहेगा उसी को सोचकर मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं, करेक्ट है। ओवरऑल तो वाटर लिए नहीं, दे दिए, लिए जैसे होता है सराउंडिंग वाटर था, कैसे आउट करें? तो फॉर मोमेंट लिए, फिर बाद में आउट कर दिए, इसको हटाया जाए। और यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन हो, ये भी हो सकता था सर H प्लस यहाँ से डोनेट किया, यहाँ से भी तो दे सकते थे, तो OH अगर रहेगा ये रहेगा तो OH का लोड पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, और सारा काम मैं किया हूँ प्रोडक्ट को देखकर, ठीक है। क्योंकि मेरा दिमाग में आया कि यहाँ पे कार्बोक्टाइन बनेगा तो रिजोनेंस करके एक पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा,
प्रोडक्ट में यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और फिर यहाँ पर अटैक करेंगे और टोटोमराइज कर दें तो काम बन गया। हो गया शुभांकर, ये 66 का फर्स्ट था, 66 का सेकंड। भाई यहाँ पे सिर्फ एच प्लस दिया हुआ है, अब ओके इंटरमीडिएट स्टेप, अरे प्रोडक्ट भी दिखाया हुआ है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, इसे प्रोटोनेट करेंगे तो यहाँ पे तो कार्बोक्टेन बनाएंगे नहीं, नहीं तो इसका हो जाएगा SN1 टाइप, और एरोमेटिक सिस्टम में SN1 सिर्फ डाइजोनियम कटाइन ही देता है और कोई नहीं देता, इसलिए यहाँ पे एक मजबूरी है कि सर इसको क्यों नहीं प्रोटोनेट कर रहे हैं, करेक्ट। अब अगर इसे प्रोटोनेट करेंगे तो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेंगे, अल्कीन को, अल्कीन के पास इलेक्ट्रोफाइल भेजते हैं, तो अगर यहाँ पर प्रोटोनेट किया जाए एम रूल को फॉलो करेंगे, सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करेक्ट, एच प्लस यहां से एच प्लस रिलीज हो जाएगा। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप का मतलब क्या, मैकेनिज्म ड्रॉ करिए, चलो पढ़िए। कोई एक हाइड्रोकार्बन है, माइंड में रखिएगा हाइड्रोकार्बन, एड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट टू फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन, 1 मोल ही करना है राइट, प्लैटिनम कैटलिस्ट, हालांकि प्लैटिनम प्लैडियम नहीं है, क्या है प्लैटिनम कैटलिस्ट, तो निकल जैसा ही काम करता है, निकल से रिएक्टिविटी थोड़ा कम है, प्लैडियम रहता तो लिडनार कैटलिस्ट के बारे में सोचते भी, व्हेन एज ऑक्सीडाइज विग्रसली, विग्रसली मतलब KMnO4, हॉट KMnO4 एंड हिट, जो बोलते हैं विग्रस ऑक्सीडेशन, हॉट यही है ना, ए सिंगल कार्बोक्जिलिक एसिड, सिंगल कार्बोक्जिलिक एसिड का मतलब है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहा होगा तभी सिंगल कार्बोक्जिलिक एसिड मिलेगा सेम टाइप का, नहीं तो मोर देन वन, या तो फिर CO2 बनकर आउट हो रहा होगा, ये भी तो हो सकता है CH2 डबल बॉन्डेड CH2, तो CH2 बिकम CO2, तब सिर्फ एक ही एसिड रहेगा, इसमें एक सिचुएशन तो ये है कि ऐसा रहता इधर आर इधर आर, और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये पार्ट एसिड बन के चल जाए, यही तो पढ़ाया गया था करेक्ट, विग्रस ऑक्सीडेशन में 4 तरीका का था ना, उसमें 2 तरीका में ये था करेक्ट, CH2 किस में कन्वर्ट होता था, CO2 में या तो फॉर्मिक एसिड, लेकिन मोस्ट ऑफन CO2। चलिए सिंगल कार्बोजेलिक एसिड, ओके, कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, कंटेनिंग
थ्री कार्बन एटम इज आइसोलेटेड गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड एक्सप्लेन. और यहाँ से हेक्सेन ही मिल रहा है. ए देखिए इस स्ट्रक्चर से तो ए पता चल गया कि इसमें कितना कार्बन है, सिक्स कार्बन है. तो सिक्स कार्बन है और एसिड में तीन कार्बन है, इसका मतलब एक काम तो ख़त्म हो गया ये सोचना. अरे सोचेंगे तो एसिड में पांच कार्बन रहेगा, बट एसिड में कितना कार्बन है, तीन कार्बन. तब यहाँ से फिर पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री, यही एक पॉसिबिलिटी बच कर निकलता है. ठीक है ना, समझे नहीं समझे. अरे बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी को बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम. और जितना आसान था उतना आसान मार्क्स भी है, टू मार्क्स का ही है. तो यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन करेंगे विग्रस ऑक्सीडेशन तो सी एच थ्री सी एच टू दिस इज द आंसर. तो ए रहना चाहिए. अगर इसका आइसोमर पूछा जाता तो दो आइसोमर एक रहेगा, सीस और ट्रांस, करेक्ट है. ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है 68 का फर्स्ट. इसको हटाएं, ये आसान क्वेश्चन था. यहाँ देखिए भाई यही है ना, देखिए तो पीएच पीएच है, एच बी आर के एन एच टू, करेक्ट. साथ में देखिए लोग हीट नहीं देते हैं, करेक्ट. और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बेस डालकर हीट करते हैं तो बेस वहाँ से क्या आउट करता है, एसिड, इफ पॉसिबल. जनरली हैलोजन के लिए कहा जाता है. बट यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन का चांस है, तो अल्फा एलिमिनेशन होगा, है ना. एंड अल्फा एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट, कार्बीन. ये क्या हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, और कार्बीन कार्बीन बन के रहेगा. तो दिस इज द फाइनल आंसर. ये तो कितना बार लिया हूँ, पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी पी एच, करेक्ट है. तो यही मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 68. और यही आंसर भी है, कार्बिन भी आ गया. अच्छा देखिए नोटबुक में वो सारा ऑलमोस्ट आईआईटी में जितना प्रीवियस पूछा गया है उसका 80% एग्जांपल ऑलरेडी मिलेगा आपको, इफ एंड बट करके कहीं ना कहीं. बस उसको नोट्स बुक को ध्यान से पढ़ लेना है, ये बनाने का फिर से एक बार नोटबुक पढ़िएगा तो उसमें और भी कुछ निकलेगा. और फिर भी एक बार क्वेश्चन बना लीजिएगा और फिर से नोटबुक पढ़ लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा. नॉर्मल प्रोपाइल HClO4 और R क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल NPR. ये तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है. यहाँ देखिए यही है ना भाई, HClO4. बोलिए श्याम ना, व्हाट द प्रोडक्ट, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी HClO4 H प्लस, डायरेक्ट आंसर बोल दें, एरोमेटिक सिस्टम हो गया. और इसको बैलेंस करने के लिए ये रहेगा एरोमेटिक सॉल्ट, हाँ है ना. इसी में इस टाइप का एक क्वेश्चन लिए तो थे भाई, वहाँ पे लिखवाए भी थे कि साइक्लो प्रोपिनॉन इज पार्सल सोल्ड इन वाटर बट वेन फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड पुटेड
देन इट बिकम्स वेरी मच सॉल्युबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक सॉल्ट। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि अपना एरोमेटिसिटी को बनने के एरोमेटिसिटी फॉर्म करने के बाद ये अपना एरोमेटिसिटी ख़त्म नहीं करना चाहेगा। तो 68 का सेकंड है ना, बट यहाँ पे कुछ और आंसर दिया हुआ है, HClO4 एसिड। नॉर्मल प्रोफाइल प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाए एक तो ये होना चाहिए था। HClO4 इसको रहने दीजिए स्टूडेंट, एक तो है इसको मैं देखता हूँ, इसको किस पेन तो है, पेन देखें, उससे भी खतरनाक नेक्स्ट है, यहाँ देखिए CHBr3 टर्शरी ब्यूटोक्साइड O-K+ मैकेनिज्म सोचिए,
चलिए प्रॉब्लम ऑफ द डे है। और सबसे खास बात है कि जो जहाँ पे डिफिकल्ट है उसका ये लोग सॉल्यूशन ही नहीं करते हैं, आंसर सिर्फ देके छोड़ते हैं। देखिए ना, इसका भी आंसर देके छोड़ दिया है। जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम लोग करेक्ट है, ठीक है। ऐसी बनने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब देखते हैं कहीं अगर किसी जगह पे आप सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा कहाँ पे आप ऐसा देख रहे हैं। दिमाग में रहना चाहिए अगर आप मेहनत किए हुए हैं तो। चलिए भाई
यहाँ देखिए, ये पहले ही बोल दिया गया, अब हम लोग को मैकेनिज्म देखना है, करेक्ट। ये बेस है, करेक्ट, और इसके साथ अगर हीट करेंगे, अगर हीट करते हैं एक क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म तीन तरीके से बेस के साथ प्रोसीड करता है, इसमें हीट देना चाहिए था, कार्बिन बनेगा पहले, करेक्ट। और ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, और कार्बिन तो क्या यहाँ पे ऐसा रिएक्शन पढ़ाया था कार्बिन का, थ्री मेंबर रिंग बन जाता था, अल्कीन का कार्बिन के साथ रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ कार्बिन, राइट। इतना सारे रिएक्शन तो करवाए हैं, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन, राइट। इसमें अगर कार्बिन लेते हैं तो थ्री मेंबर रिंग बनता था, करेक्ट है ना। तो क्या इन दोनों को मिलाकर, मतलब आप देखिए बनाते बनाते ही आपको याद होगा, पूरा सिर्फ थ्योरी पढ़कर याद नहीं होगा, जब उसका एप्लीकेशन कहीं पे देखिएगा, बीआर बीआर कितना कार्बन हो गया, सिक्स कार्बन हो गया। अब उसको एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, और उसके पीछे का एक बजर है, उसके पीछे का एक वजह हो सकता है क्या, एंगल स्ट्रेन। थ्री मेंबर रिंग का एंगल स्ट्रेन इज वेरी मच हाई, उसको फाइबर के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे, करेक्ट, और ये ब्रेक होकर यहाँ आ जाए, और यहाँ से अगर आउट कर दे, यहाँ पे ही अब सोचना है स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से आउट कर दिया जाए, और एरोमेटिक सिस्टम क्रिएट करना है ना, यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड जैसा, अगर ट्रीट करते हैं तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको 1 मानते हैं, यहाँ पे एक बीआर रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसके बीच में बॉन्ड था, 4 और 3 के बीच में बॉन्ड था, किसके बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ पे एच है, और यहाँ से आउट क्या हुआ है, बी आर माइनस ना, आउट क्या हुआ था, बी आर माइनस, ये बी आर माइनस अगर यहाँ से एच प्लस ले ले, बी आर माइनस यहाँ से क्या ले ले, एच प्लस, और उसके पीछे का वजह है कि वहाँ पर टर्सरी ब्यूटोक्साइड अभी है आपका, करेक्ट, वो एच बी आर का एलिमिनेशन कर देगा, और
इसके पीछे का एक और ड्राइविंग फोर्स रहेगा रिंग एक्सपेंशन। ये बिल्कुल लिंक से हट कर क्वेश्चन है भाई, इसमें उपाय नहीं है, मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिए और ना इसका मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है ना वहाँ दिया हुआ है, जो भी लिए हैं। बट उसमें बस एक लाइन का हिंट मुझे मिला कि कार्बिन बनेगा और कार्बिन के बाद हम लोग को एरोमेटिसिटी क्रिएट करना है। पाइप देखिए सिक्स मेंबर का रिंग तो बनाना है, तो सिक्स मेंबर का रिंग बनाना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी ये हट जाएगा और सिक्स मेंबर बन जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक ना करके इसे ब्रेक करेंगे राइट, और उसके बाद का काम हो गया। किस तरफ ये इस तरफ फायदा क्या है बी आर को आउट करना था, ये आकर बी आर को एक्चुअली आउट किया है। यहाँ पे आकर इस तरफ तो लेके जा भी नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर एसपी हो जाएगा। और हम मेरा दिमाग में था कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहना चाहिए, इसलिए उसके लिए सुटेबल ही था, ठीक है ना। ये बिल्कुल अनयूजुअल है नहीं, ये दिमाग अचानक से भाई एग्जाम में तो क्लिक नहीं करेगा, अब क्लिक करेगा, फर्स्ट टाइम देखने पर बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा। इसको हटाया जाए, अरे घबराने की बात है, नीट में नहीं आएगा, ठीक है। नीट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन उनका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, एन अल्काइल हैलाइड ई एफ कितना है, जीरो। ई एफ सबसे पहले निकाल लेना इस टाइप क्वेश्चन में, जीरो है ना। ट्रीटेड विथ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, गिव्स टू आइसोमेरिक अल्किन, ये आइसोमर है, टू आइसोमेरिक करेक्ट। C6H12 बोथ अल्किन्स ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स 2,3-dimethylbutane। अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं NiH2 तो क्या देगा, 2,3-dimethylbutane। एक मिनट, ये उसका स्केलेटन को चेंज करेगा, नहीं करेगा, हार्ड बेस है। अब यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेटजब बोलिए और एंटी सेटजब बोलिए, से अगर अल्किन दे रहा है एलिमिनेशन है तो अल्कोहलिक क्वेच लेते थे सेटजफ, एंड इफ बेस इज ओवर क्राउडेड देन एंटी सेटजफ, हाँ है ना, इफ बेस इज ओवर क्राउडेड देन व्हाट, एंटी सेटजफ करेक्ट। और सिर्फ दो आइसोमेरिक अल्किन मिल रहा है, टू आइसोमेरिक अल्किन, टू आइसोमेरिक अल्किन का मतलब ये है अगर यहाँ रहेगा, यहाँ रहता तो सिर्फ यहाँ मिलता, टू आइसोमेरिक अल्किन होने का चांस है, नहीं है। और यहाँ पे भी सीएल हो सकता है, सीएल कहाँ कहाँ हो सकता है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, यहाँ से ही चलते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप टू टाइप, तो या तो सीएल यहाँ नहीं तो सीएल यहाँ, यही हो सकता था। तो अगर सी एल यहाँ रहता तब फिर यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा तो सूटेबल था एंटी सेटजब प्रोडक्ट के लिए राइट, लेस एसिडिक, तो यहाँ पे सी एल रहेगा, तो यहाँ पे सी एल रहेगा तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा। डबल बॉन्ड अगर यहाँ होगा और दोनों जगह पे एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों जगह पे एक्टिव डबल बॉन्ड, तो सी एल यहाँ रहेगा
तो हम लोग यहाँ पे जो बेस ले रहे हैं वो बेस आपका ये है, यहाँ पे बेस्ट ये भी रहता कि कौन सा दो आइसोमेरिकल में विचलन मेजर विचलन माइनर। तो यहाँ पे जो CH3 यहाँ पे H है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 ये रहेगा माइनर भाई इस केस में। लेस क्राउडेड मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, ये एंटी सेट जब का कंडीशन है। और इस CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये यहाँ पे मेजर रहेगा और यही दो आइसोमेरिक एल्किन रहेगा, ठीक है, करेक्ट है ना? हाँ या ना? लिखिए फिर। और एंटी सेट जब में के टाइम पे मैं एक्चुअली यही बेस लेता भी था ओवर क्राउडेड का, दिस वन, ठीक है। तो Y एंड Z X69 और एग्जैक्टली यही आंसर भी है, ठीक है। बट इसमें एक क्वेश्चन Y और Z में कौन मेजर कौन माइनर, ये और भी बढ़िया क्वेश्चन बन जाता। एलिमिनेशन कौन सा हुआ है, सेट जफ या एंटी सेट जफ? एंटी सेट जफ। तो यहाँ पे Cl को नहीं बैठा है, यहाँ पे Cl लेकर क्यों नहीं सोचा है? यहाँ पे लेते तो एक ही प्रोडक्ट मिलने का चांस रहता, एक ही मिलता। हर क्वेश्चन से आपको रिएक्शन रिवीजन हो रहा है, ठीक है, इसको हटाएं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम 3-ethyl-2-pentene। यही है ना? HBr H2O2। H कहाँ Br कहाँ? एंटी मार्कोवनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr। अगर सिर्फ HBr लेते तो कार्बोकैटायन कहाँ बनाते? यहाँ पे कार्बोकैटायन अगर बनता तो 4, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो 2-2-4-1-5 आया ना। अब फ्री रेडिकल अगर बी आर यहाँ पे इसमें बी आर रेडिकल का पहला अटैक होता है तो रेडिकल यहाँ बनेगा, दैट रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे बी आर यहाँ पे एच होना चाहिए, तो CH3 Br H CH2 CH3 CH2 CH3, करेक्ट है ना? इसमें तो मेजर प्रोडक्ट ए होना चाहिए। Br2 water यहाँ देखिए Br2 लेंगे तो CCl4 सोचेंगे, Br2 water लेंगे तो Br2 Br+ और H2O सोचिए। और मेजर प्रोडक्ट इसमें सारा प्रोडक्ट लिखिए, मेजर और माइनस जो भी दिमाग में आता है। यहाँ देखिए इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, करेक्ट। कार्बोकैटायन कहाँ बनाएंगे? यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें कार्बोकैटायन बनेगा भाई, Br CH2 CH3 CH2
CH3। देखिए तो रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का चांस है, तो अब यहाँ पे Br- का भी अटैक होगा और वाटर का भी होगा। किसका पहले अटैक हो जाएगा? वाटर का। तो CH3CBr COH CH2CH3 एक प्रोडक्ट तो ये रहेगा और इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी तो प्रोडक्ट रहेगा Br CH2CH3 ये माइनर रहना चाहिए अरे मेजर रहना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट है जो रिएजेंट दिया हुआ है वो है हाइड्रेशन थ्रू ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। हाइड्रेशन थ्रू ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड पहला स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, दूसरा स्टेप है डीमर्क्यूरेशन का। चलिए इसमें दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों एडिशन दोनों बनेगा और कायरल सेंटर रहेगा तो, बट इसमें क्या होता है ऑक्सीमर मतलब मरकरी का आना और वाटर का आना दोनों एक अपोजिट साइड से एंटी हाइड्रेशन राइट। बट इसमें तो HG यहाँ लेके जाएंगे, कटाइन यहाँ बनाएंगे और वाटर का अटैक यहाँ पर ही होना चाहिए CH3CH CH2CH3 यहाँ पे होना चाहिए। HgOH2 वाटर और सेकेंड में इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग को समझ में आ गया है? और नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए ऐसे होता था, ठीक है, करेक्ट। और वाटर का अटैक यहाँ पे रिंग ओपनिंग के टाइम पे बोलते थे कि ऐसा सोचना है कि अगर कार्बोकैटायन बनता तो कहाँ बनता, बट वाटर का अटैक इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड से, और जहाँ पे HG रहता है वहाँ पे ही H आ जाता है डीमर्क्यूरेशन में, करेक्ट है ना। और यही आंसर भी है। करेक्ट है ना। बट ये और भी बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पूछा गया है, तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पे फोर्स नहीं किया जा रहा है तो डायरेक्टली ये आंसर देकर निकल जाइए, करेक्ट है। तो ये भी तो रिएक्शन रिविजन हो गया, पेरोक्साइड खलास इफेक्ट, बी आर वेरी मच फेमिलियर विद Br2CCl4, बट यहाँ पे Br2 वाटर, करेक्ट। तो Br और वाटर का एडिशन होगा, पहले कौन Br प्लस बाद में वाटर का अटैक, Br माइनस का भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, करेक्ट है ना। चलिए 71, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टीरियो आइसोमर फॉर्म व्हेन C2-butene इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन। ये तो कितना बार आ गया है सोचिए, उस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा जब फर्स्ट टाइम इस तरीके से ट्रेंड रहा होगा क्वेश्चन आने का, Br2 और कुछ नहीं बोला गया CCl4, सीस है एंटी एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा भाई, सिमिलर कायरल सेंटर है बट DL पेयर बनेगा, कितना बार ये तो आ गया 1996 में भी आया हुआ है, करेक्ट, DL पेयर 71 पेयर ऑफ इनंसियोमर, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इसको मान लिया आप लोग तो बच के निकल जाएगा, सब्जेक्टिव का टाइम है नहीं, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो इसको ऐसे ना लिख के हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं Br HH CH3 CH3, राइट, और इसका मिरर इमेज लिखते हैं, तो अगर AR रहता तो AR हो जाएगा, तो इसका मिरर में क्या रहेगा SS रहेगा, मतलब इस बात का केयर करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ताकि 100% सही आंसर दिखे।
सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 से लेकर लास्ट क्लास हाइड्रोकार्बन का मैं एक एक क्वेश्चन ले लिया है ना, ये फाइनल हो रहा है मेरे तरफ से। इसके बाद अगर हाइड्रोकार्बन उठाएंगे तो कोई और सोर्स रहेगा, अब आप इसको फेयर कर लीजिएगा बढ़िया से, करेक्ट ना, अगर टाइम मिलने से अभी मत कीजिए। एटलीस्ट जेई मेन के टाइम पे जब किया हुआ है उसको एक बार देख लीजिएगा, बाद में एडवांस के लिए इसको फेयर कर लीजिएगा। बट अब मैं अब सेकेंड जो राउंड रहेगा उसमें मेरा क्या प्लानिंग है, एक राउंड और ऑर्गेनिक, उसमें जेई मेन और नीट के लेवल का हाइड्रोकार्बन का मैं सीट उठाऊंगा। और 200 प्रॉब्लम है अगर रहेगा सब जो हाइड्रोकार्बन का, तो 100-100 प्रॉब्लम का दो टेस्ट कंडक्ट करूंगा। पहले आप 2 आवर टेस्ट दीजिए, और उसमें जो नहीं बना उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि बन गया, करेक्ट, वो असाइनमेंट ही है, बट उस असाइनमेंट को टेस्ट पेपर के थ्रू करूँगा ताकि डबल बेनिफिट हो जाए। ठीक है, आज एक क्लास तो और लगेगा, हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी, थोड़ा थोड़ा करते करते ही हो गया। एक दिन अचानक से सोचते तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता, उतना आउटपुट आ भी नहीं पाता, सारे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं।